दोस्तों अभी बर्तन वर्तन नहीं धोई है, एक एक बर्तन बचा था तो हम जिसमें लिए थे, और एक बर्तन उधर है तो रात का है तो स्कूल जाएगी तो ताजा ताजा खा के, तो यहीं पर ले लिए हैं, दोनों जन ले लिए साथ में खा रहे हैं। हैं और दोस्तों आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि शादी का डेट कितना है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और अभी हम लोग धो धा लिए हैं पूरा मुँह का, और रीना भी धो ली है, आज इसको जाना है कॉलेज, और ड्रेस देख सकते हैं स्कूल का है, वो स्कूल ही है मतलब प्लस टू स्कूल है, हाँ इसलिए वहाँ पर सारा कुछ मतलब स्कूली सिस्टम है, कॉलेज वगैरह नहीं है। और दोस्तों आज हम मतलब रीना तो जाएगी कॉलेज, और हम आज हम लोग गाजर बुन रहे हैं, गाजर और धनिया, तो आज जब भी खाना खाएंगे उसके बाद चलेंगे खेत तरफ, ये तो कॉलेज जाएगी, उसके बाद कितना बजाना है, 3, तीन सर 3 बजे छुट्टी होता है तो 3:30 या 4 बजे है, हाँ मतलब 1 बजे आने से थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि दूर है ना इसीलिए, और भी भाड़ा गाड़ी में जाती है। और यहाँ देख सकते हैं अभी ये धनिया, इसको बुनना है, ये देखिए धनिया का पत्ता, आप लोग उल्टा लग रहा होगा कैमरे में, इसी को बुनना है। और गाजर पापा लेते गए हैं अभी खेत, और दादाजी भी गए हुए हैं, उन लोग बुनेंगे, उसके बाद झोरा टिनना होता है, झोरा भी टिनना होगा। और ये देखिए अभी भात बन चुका है, और अभी सब्जी नहीं बना है, और आज सब्जी में बनेगा पालक साग, अभी मम्मी काट रहे हैं, ये देखिए ये पालक साग, तो आज मस्त हरी सब्जी बनेगा। और रीना तो जाएगी स्कूल, तो सुबह सुबह ये भात बना लिए, उसके बाद मम्मी को दे दिए अथी सब्जी बनाने का जिम्मा। मेरा जो जो काम था सारा काम कर लिए, हाँ तो मुकान लोग रेडी हो गए। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, ये देखिए ये अभी का भात है, और ये रात का सब्जी है लौकी का है, लौकी बनाए थे और रात में तो हम खाए भी नहीं थे, सो गए थे एकदम देखते देखते तुरंत, तो चलिए अभी जल्दी से खाते हैं। दोस्तों अभी बर्तन वर्तन नहीं धोई है, एक एक बर्तन बचा था तो हम जिसमें लिए थे, और एक बर्तन उधर है तो रात का है तो स्कूल जाएगी तो ताज़ा ताज़ा खा के, तो यहीं पर ले लिए हैं, दोनों जन ले लिए साथ में खा रहे हैं। हैं हम लोग बहुत खाते हैं ऐसे साथ में, हाँ ये देखिए हम लोग दोनों का थाली रहता है फिर भी साथ में खाने लगते हैं। मतलब कम सब्जी रहता है ना, बचा हुआ रहता है जो वही हम साथ में मिल के और खाने लगते हैं एक ही साथ। और बर्तन नहीं है ना इसलिए खा रहे हैं और भी, चलिए हम लोग खाते हैं पहले। सो दोस्तों रीना चल गई है कॉलेज, अब चलिए हम भी चलते हैं जल्दी से खेत में। तो दोस्तों अभी धनिया लेके हम आ चुके हैं खेत में, और पापा अभी देख सकते हैं अभी गाजर अभी बुन रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह बुना जाता है गाजर आप लोग को दिखाते हैं पूरे अच्छे से। दोस्तों पहले आप लोग यहाँ देखिए, ये है गाजर का दाना, ये देखिए कितना छोटा छोटा है, और इसको मिक्स करना है बालू के साथ में, और दादाजी अभी थोड़ा नाला खींच रहे हैं, और देख सकते हैं ये है बालू, इसको यहाँ पर मिक्स करना है और बुनना इसमें ना, मतलब ये वैसे अगर बुनेंगे तो ये उड़िया जाएगा, ये कौन नहीं रहेगा ज़मीन में, इसलिए उसके साथ बुना जाता है ताकि जमा रहे ना। हाँ बालू का उपयोग इसीलिए किया जाता है। हाँ इससे बुन देंगे ना तो हवा में क्या ना सब चल जाएगा उधर। हाँ क्योंकि देखिए पूरा हल्का है ना, और बालू मिक्स करके बुनेंगे। हाँ इधर होता नहीं है, जहाँ कहाँ बढ़ जाता है बालू के साथ। हाँ देख सकते अभी एक बाल्टी बालू है यहाँ पर, इसमें 21 पारी है तो 21 कुधा बना दिए हैं, प्रत्येक पारी में एक कुधा हमको बुनना है। जैसे देखिए इतना छोटा सा है, पतला सा बारी है लेकिन लंबा थोड़ा है, ये देखिए पतला सा है ना, तो उसके लिए जो एक है ना इसमें हो जाएगा है ना। हाँ बातें है ना, अभी दिखाते हैं आप लोग अभी सब, अभी अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये चौथा बारी है ये, और अभी पूरा वहाँ तक करना है। और ये देखिए अभी अजय भी आ गया है, आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि अजय काहे नहीं बोलता है देख सकते हैं शर्मा रहा है अब देख सकते इसलिए नहीं बोलता है, शर्मा रहा ज़्यादा। तो चलिए अभी पहले बुनना होगा पूरा यहाँ से वहाँ तक, उसके बाद फिर हम लोग झोरा टेनेंगे, अभी तो प्लेन है फिर पूरा हो जाएगा ना बुनना हुआ, उसके बाद हम लोग झोरा टेनेंगे। और सुबह से ही आज का मौसम एकदम बारिश देने का जैसा कर रहा है, सुबह में तो हल्का हल्का मार भी रहा था बारिश, अभी थोड़ा बहुत धूप उगा है और मौसम तो वैसा ही क्या हुआ है। ये देखिए बादल आप लोग किस तरह है, पूरा काला काला बादल हो गया है, जल्दी से अभी बुन देंगे ना तो पानी आएगा ना तो फिर अच्छा रहेगा, और पहले यदि आ जाएगा तो फिर सारा काम गड़बड़ कर देगा, तो चलिए अभी फटाफट पहले बुन लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब बुना हुआ हो चुका है गाजर, और अब हम लोग कुदाल ले लिए हैं, ये देखिए अजय भी अपना कुदाल ले लिया उधर, और उधर दादाजी खींच रहे हैं, और उधर से अभी पापा भी आएंगे, तो चलिए अभी हम लोग टिनना स्टार्ट करते हैं।
सो दोस्तों आधा कंप्लीट हो चुका है उधर, झोरा टीना हुआ। अब इधर पारी है, आधा आधा करके टीन रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है ना, और काफ़ी ज़्यादा धूप दे दिया और पसीना भी आ रहा है। तो चलिए अभी कंप्लीट करते हैं, आधा हो चुका है, अब इधर करना बाकी है। तो दोस्तों फाइनली पूरा बारी कंप्लीट हो चुका है, झोरा टीना हुआ। वो देखिए पूरा वहाँ से यहाँ तक और पूरा पसीना पसीना आ गए, और अजय भी उधर से आ रहा है उतार रख के। और देख सकते हैं यहाँ पर पापा अभी खाना चालू कर दिए हैं, हम लोग तो खा के आए हैं, माँ ला दिए थे खाना, तो पापा अभी खा रहे हैं यहीं पर मस्त। और इधर खाने में जो मज़ा आता है ना, घर में नहीं आता है, काम करके एकदम मस्त बारी में खाने में जो सुकून मिलता है ना, क्या ही बोले। और यहाँ पर छाया है मस्त सिमिल करके ना, और भी अच्छा लगता है, यहाँ पर हवा भी एकदम मस्त लग रहा है। बोलिए ना अजय को, बोल रहे खाने के लिए, अब खाएगा कि नहीं, भाग दिया उधर। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे घर, हम चलेंगे, मम्मी पापा अभी यहीं रहेंगे, और हम दो दिन से नहाए नहीं है, तो नहाना भी है, कपड़ा लता भी साफ करना है, दो दिन से पहने हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। दोस्तों अभी घर में आ चुके हैं और मुँह कान धो लिए हैं, और मम्मी भी आए हैं। और दोस्तों जो मौसम कर रहा है ना, ये देखिए चारों तरफ से एकदम पूरा खतरनाक मौसम एकदम कर रहा है, देख लीजिए पूरा एकदम अंधेरा छा गया है, जैसे बरसात के दिन जैसा होता है ना उसी तरह। और हमको नहाना भी था और ठंड भी लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा भरा है, लगता है पानी मारेगा ऐसे में, तो वो ठंडा पड़ा देगा। अब देखते हैं कि धूप हो गया तो नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा एकदम फील हो रहा है, हवा भी एकदम ठंडा ही वाला बह रहा है, किधर पानी मार रहा है तो इधर भी आएगा मौसम। फिर से देख सकते हैं आप लोग तो चारों तरफ काले बादल कर दिए हैं। सो दोस्तों अभी शाम हो चुका है पूरा, और रीना थोड़ा लेट में आई थी कॉलेज से, शाम शाम पूरा हो गया था ना। और दोस्तों अभी देखिए इधर दादाजी अभी खा रहे खाना, और माँ भी तेल लगा रहे हैं उधर, ये देखिए थोड़ा नहाई है ना तो वो भी। और दोस्तों आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि शादी का डेट कितना है, तो दोस्तों आप लोग को बता दें, मतलब कि देखिए डेट अभी उतना हुआ है पूरा फिक्स, लेकिन पूरा कंफर्म भी नहीं हुआ है, है ना, क्योंकि देखिए उधर से मतलब जब तक आएगा नहीं, जैसे होता है ना छेका या फिर बोर्ड लगाए वो हाँ। होगा उसी दिन डेट फिक्स किया जाता है। हाँ तो उसी दिन जो होता है ना, जो पंडित होता है, दो चार दिन में आ, तो आप लोग हाँ दो तीन दिन में मतलब पता चल जाएगा। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, अभी लगेगा थोड़ा दो तीन दिन टाइम, उसके बाद आएंगे छेका उका जिसको बोलते हैं, त्यौहार त्यौहार चल रहा है ना, तो अभी आने का टाइम नहीं मिल रहा है उन लोग का, इसीलिए तो आएंगे तो वो तो आप लोग को सब बता ही देंगे, लेकिन आप लोग को दे देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि शादी का डेट कितना है, तो अभी डेट अभी बताएंगे आप लोग को, दो दिन के बाद वो हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तरह रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।